धन्यवाद। जय हिंद। मैं नजीर शेख, न्यूज़ एनी टाइम रिपोर्टर, रावेड़ तहसील के निपोरा शहर से। अभी हम यहाँ पर बहुत बड़ी खबर जो अभी यहाँ पर लगी है उसके कुछ सवाल हम यहाँ पर फिरोज शेख, जिला अध्यक्ष रावेड़ विधानसभा MIM पार्टी के, इनसे कुछ सवाल करेंगे। जो अभी यहाँ पर भुसावल के विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने नामांकन वापस लिया रवि सपकाड़े ने, उसके बारे में फिरोज शेख आपका क्या कहना है? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शहर में अफवाहें चल रही है और शहर में वीडियो पोस्ट हो रहा है, फोटो पोस्ट हो रहा है भुसावल में, कि भुसावल शहर के अंदर AIMIM के कैंडिडेट रवि सपकाड़े ने और MIM ने जो है तो राष्ट्रवादी के कैंडिडेट जगन सोनोने को पाठिंबा दिया है, मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ और इस बात से साफ तौर से इनकार करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने जगन सोनोने को किसी भी तरह का कोई पाठिंबा दिया है। पार्टी उसके बाद में जो जगन सोनोने है भी अपने भुसावल से, इनको MIM पक्ष पाठिंबा देंगे या नहीं देंगे? किसी भी हाल में कैसा है, देखिए कि जगन सोनोने कोई अपक्ष उम्मीदवार नहीं है। जगन सोनोने एक ऐसी पार्टी के उम्मीदवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जिस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी ने जो है तो राज्यसभा में हमारे 3 तलाक के बिल के मुद्दे जब उठा तो उसकी मुखालिफत नहीं की बल्कि एक तरह से उसका समर्थन किया है गैर हाजिर रहकर। और हमारी जो है तो पूरी तरह से ये बात है, हम अपनी बात पे अटल है कि जगन सोनोने को किसी भी तरह का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यानी AIMIM का कोई भी पाठिंबा नहीं है। और जगन सोनोने को जो पाठिंबा दिया है वो रविंद्र सपकाड़े ने दिया है। रविंद्र सपकाड़े सिर्फ एक उम्मीदवार थे, रविंद्र सपकाड़े MIM के कोई पदाधिकारी नहीं थे, MIM नहीं थे। और AIMIM किसी भी सूरत हाल में जगन सोनोने को पाठिंबा नहीं देंगी। और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो अपने जहनों में इस बात को तय कर ले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का जगन सोनोने को कोई भी पाठिंबा नहीं है। और आने वाले वक्त में जल्द ही इंशाअल्लाह किसी अच्छे सेकुलर अपक्ष उम्मीदवार को हम अपना पाठिंबा देंगे, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताएंगे और उस अपक्ष उम्मीदवार के मंच पर जाकर हम उसको पाठिंबा देंगे।